नमस्कार आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जैतारण में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। अब हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के अंदर क्रम परीक्षण के बारे में। टॉपिक लगा लीजिएगा आप लोग क्रम परीक्षण। टेस्ट रैंकिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये टॉपिक रहेगा हमारा। इसके अंदर आपको मूल रूप से तीन सूत्र ध्यान रखने हैं। एक तो जैसे कुल अगर आपको संख्या ज्ञात करनी है, कुल संख्या ज्ञात करनी है कुल संख्या ज्ञात करनी है तो उसके लिए एक सूत्र आपको याद रखना है। सबसे पहले आप लोग ये लिख लीजिए, कुल संख्या ज्ञात करना है अगर तो कुल संख्या बराबर बाईं ओर से स्थान प्लस दाईं ओर से स्थान माइनस एक। ये ध्यान रखना है, बाईं ओर से स्थान प्लस दाईं ओर से स्थान माइनस एक। पहला हो गया सूत्र। अब हम दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको दाईं ओर से कौन सा स्थान अगर ज्ञात करना है तो ध्यान रखिएगा, कुल माइनस बाईं ओर से स्थान प्लस एक, ये दूसरा सूत्र हो जाएगा। कुल माइनस बाईं ओर से स्थान, कुल माइनस बाईं ओर से स्थान प्लस एक। फिर तीसरा सूत्र हो जाएगा, अगर आपको बाईं ओर से स्थान ज्ञात करना है, बाएं से कौन सा स्थान, तो सूत्र हो जाएगा कुल माइनस दाईं और से स्थान प्लस एक। ये तीन सूत्र मूल रूप से आपको ध्यान में रखने हैं, बिल्कुल बेसिक सूत्र हैं। इन तीनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पहला सूत्र है ये, कुल संख्या ज्ञात करनी है तो बाईं ओर से स्थान प्लस दाईं ओर से स्थान माइनस एक हो जाएगा। अब अगर आपको दाईं ओर से कौन सा स्थान ज्ञात करना है तो कुल माइनस बाईं ओर से स्थान प्लस एक। अगर आपको बाईं ओर से स्थान ज्ञात करना है तो कुल माइनस दाईं ओर से स्थान प्लस एक। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब मैं इनको हटा देता हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, सीता का बाईं ओर से 18वां स्थान है और दाईं ओर से 30वां स्थान है। सीता का बाईं ओर से 18वां स्थान है और दाईं ओर से 30वां स्थान है क्वेश्चन संख्या एक करवा रहा हूं तो बताइए पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो बताओ
पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो अभी हमने सूत्र लिखा था, कुल ज्ञात करना है, कुल संख्या बराबर बायां प्लस दायां माइनस एक। अब देखिए बाएं से कौन सा स्थान है, 18वां, प्लस दाएं से कौन सा स्थान है, 30वां माइनस एक। 18 और 30 कितने हो गए, 48, 48 माइनस एक, 48 माइनस एक मतलब हुआ 47, 47 इसका राइट आंसर है। उस पंक्ति के अंदर कुल बच्चों की संख्या 47 है, ध्यान रखिएगा उस पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या 47 हो जाएगी। इस तरीके से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पर मैंने राम राधा राधा का बाई ओर से 9वां स्थान है, 9वां स्थान है, और दाहिनी ओर से 13वां स्थान है। बताओ पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, इस तरीके से आपको बताना है पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, ये हो जाएंगे 9 प्लस 13 माइनस 1, 9 और 13 22, 22 माइनस 1, यहाँ पर देखिए 22 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 21। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया 21, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या आया 21। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे इनको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर संख्या लिख देता हूँ 32, यहाँ पर लिख देता हूँ 46, ठीक है। यहाँ पर नाम चेंज कर देता हूँ, नाम हो गया रीता। रीता का बाईं ओर से 32वां स्थान और दाहिनी ओर से 46वां स्थान, बताओ पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो सूत्र तो बिल्कुल वो का वही है, कुछ नहीं करना आपको, 32 प्लस 46 माइनस 1। क्वेश्चन संख्या तीसरा हम सोल्व कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे 8, 7 माइनस 1, तो इसका राइट आंसर कितना हो गया 77। तो इस तरीके से आप बिल्कुल बेसिक तरीके से इसका, सरल तरीके से इसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया कुल संख्या ज्ञात करने वाले प्रश्न। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सरल है, उसे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या प्रश्न है एक, पंक्ति में हरी का पीछे से 27वां स्थान है, पीछे से 27वां स्थान है, लाइन में कुल 72 बालक है, बताओ हरी का आगे से कौन सा स्थान होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें ज्ञात करना है
आगे से, तो दायां या बायां कोई वाला भी एक सूत्र लगा दो। जैसे आपको बायां से ज्ञात करना है, तो अब आप यहां ले लीजिए, हमें ज्ञात क्या करना आगे से, तो आगे बराबर कुल माइनस पीछे प्लस एक। कक्षा के उस लाइन के अंदर कुल कितने बच्चे थे? 72। माइनस पीछे से उसका कौन सा स्थान है, यह ध्यान रखना है, 27, और प्लस हो जाएगा एक। अब आप देखिए, इस 72 में से 27 को घटा लेता हूँ, ठीक है, 12 में से 7 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 45। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 45, 45 प्लस 1, 46। तो ध्यान रखिएगा, आगे से उसका स्थान कितना हो जाएगा, 46वां स्थान हो जाएगा। आगे से उसका स्थान 46वां हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रवि एक पंक्ति में बैठा है, दाई ओर से 36वां स्थान कक्षा की पंक्ति में कुल 48 बच्चे हैं, बताओ बाईं ओर से कौन सा स्थान होगा। तो ज्ञात क्या करना है, बाईं ओर से ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारे पास बिल्कुल सूत्र है, कुल माइनस दाईं ओर प्लस एक, ठीक है। कुल बच्चे कितने हैं, 48 हैं, दाईं ओर से कौन सा स्थान है, 36वां है, प्लस एक। अब आप देखिए, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया 1, प्लस 1, राइट आंसर हो गया 13। तो इस तरीके से आप बिल्कुल इजी तरीके से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, कुल में से माइनस दायां प्लस 1 कर देना है, तो 48 माइनस 36 प्लस 1, 48 माइनस 36 12 प्लस 1, ये हो गया 13, इसका उत्तर हो जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, सोना का किसी पंक्ति में बाईं ओर से 20वां स्थान है। क्वेश्चन है, सोना का किसी पंक्ति में बाईं ओर से 20वां स्थान, बाईं ओर से 20वां स्थान है, बाईं ओर से 20वां स्थान। उसी पंक्ति में मोना का दाईं ओर से 35वां, उसी पंक्ति में मोना का दाईं
ओर से पैंतीसवा स्थान है। यदि ये दोनों अपना स्थान बदल दें तो मोना का दाएं से 42वां स्थान हो जाता। तो बताओ पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है? हो जाता है तो बताओ पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है? कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है? अब आपको यहां समझना क्या है उसको देखिए। पहला तो बाईं ओर से स्थान 20वां, फिर देखिए दाईं ओर से स्थान 35वां, ये किसका है? मोना का, और ये बाईं ओर से था सोना का। स्थान बदल दिया, मोना दाएं से 42वें स्थान पर आ गई। बस मेन प्रश्न यही है, इसी को खास तरीके से आपको समझना है। ध्यान रखिएगा, अब इसमें सूत्र क्या याद रखना है? सूत्र ये याद रखना है, एक का पुराना प्लस एक का नया माइनस एक। ये ध्यान रखना है आपको, एक का पुराना प्लस दूसरे का नया। ध्यान रखना, एक का पुराना है, पुराना वाला स्थान, और एक की जगह यहाँ लिख दीजिएगा दूसरे का, जो भी दूसरा पर्सनालिटी है, दूसरे का नया माइनस एक। अब देखो, दूसरे का नया, नया किसका आया है हमारे पास? 42वां स्थान आया मोना का, ठीक है। तो ये हो गया 42वां स्थान, ये नया वाला स्थान। अब पीछे सोना, तो सोना का स्थान क्या हो जाएगा? पुराना वाला स्थान हो जाएगा, एक का पुराना। तो ध्यान रखिएगा, ये तो हो गया मोना का 42वां, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका सोना का 20वां माइनस एक। 20 प्लस 42 टोटल हो गया 62 माइनस एक, राइट आंसर क्या आया? 61। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 61। कुछ नहीं किया हमने, सूत्र आपको ध्यान रखना है, एक का पुराना दूसरे का नया माइनस एक। एक का पुराना प्लस का ध्यान रखना है, प्लस दूसरे का नया माइनस एक, ठीक है। तो देखो, एक का पुराना, पुराना किसका आ गया? सोना का। दूसरे का नया, नया किसका आ गया? मोना का, माइनस एक। दोनों को जोड़ा 62, 62 माइनस एक 61। तो कक्षा के अंदर, उस पंक्ति के अंदर टोटल कहने का मतलब लोगों की संख्या थी 61। ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसी में हम यहां पर चेंजेज कर देते हैं संख्या को। बाईं ओर से इसको हमने कर दिया
18वां स्थान हो गया, जाएगा सत्ताईसवां स्थान, नया स्थान इसका कर देते हैं अपन लोग छत्तीसवां। अब प्रश्न बन जाता है, बताओ पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। ये हो गया प्रश्न, किरदार वही है, संख्याएं बदल दी, 18, 27, 36 तीन संख्याएं हैं, सूत्र वही रहेगा, एक का पुराना प्लस दूसरे का नया माइनस एक, एक का पुराना दूसरे का नया, दूसरे का नया किसका आ गया, मोना का, कितना आ गया 36, प्लस के बाद 36, मोना का आ गया, तो अब हम ले लेते सोना का, सोना का हो गया 18 माइनस एक। अब देखो इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, 54 माइनस एक ये हो गया 53, उस पंक्ति के अंदर कुल व्यक्तियों की संख्या कितने हैं, 53 है। बिल्कुल इजी तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है किसी पंक्ति में राम का बाईं ओर से 40वां स्थान है, राम का बाईं ओर से 40वां स्थान है, बाईं ओर से 40वां स्थान है, उसी पंक्ति में श्याम का दाईं ओर से 25वां स्थान है, 25वां स्थान है, यदि दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर ले, दोनों अपना स्थान अदल बदल कर दें, तो बाईं ओर से राम का 50वां स्थान हो जाता है, स्थान हो जाता है। बताओ श्याम का दाईं ओर से नया स्थान क्या होगा, बताओ श्याम का दाएं से नया स्थान क्या होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से देखिए, एक तरफ है राम, एक तरफ है श्याम, ध्यान रखिएगा राम का बाईं ओर से 40वां स्थान है, उसी पंक्ति के अंदर श्याम का दाईं ओर से
25वां स्थान है, 25वां स्थान है, ध्यान रखिएगा, दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, यानी कि यहां पर जो राम था, यहां पर जो श्याम है, उसकी जगह पर राम आ जाता है और राम की जगह पर श्याम आ जाता है, कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब कहा गया कि राम का स्थान 50वां स्थान हो जाता है बाई ओर से, ठीक है, यानी राम यहां से 40 से यहां आते ही हो गया है 50, प्लस कितना हुआ 10, 40 से प्लस कितना हो गया 10। अब कहा गया बताइए श्याम यहां से यहां आया है वो कितना, दाईं ओर से उसका क्या स्थान होगा, तो आप देखिएगा ये यहां से 10 आया है तो ये भी तो इधर से 10 ही आया होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है, जितनी वृद्धि इसमें हुई है उतनी ही वृद्धि इसमें कर देनी है। इसका मतलब हुआ ये 25 पर था, इधर आते ही कितने पर आ जाएगा 35 पर आ जाएगा, इसकी भी वृद्धि कितनी हो जाएगी 10, जब ये 10 बढ़ा आगे ये भी इधर 10 ही स्थान आया होगा क्योंकि दोनों ने स्थान ही तो बदला है ना, तो ये 10 उधर गया तो 10 ये इधर आया होगा, है ना, तो ये पहले 25 था श्याम, अब श्याम का स्थान क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा श्याम का स्थान हो जाएगा 35, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां संख्या लिख देता हूं मैं 32, यहां संख्या लिख देता हूं मैं 44। अब प्रश्न बना कि बताओ श्याम का दाएं से नया स्थान क्या होगा। देखिए एक ही रेखा है, इस रेखा पर यूं जाएंगे बाई ओर, यूं से आएंगे दाई ओर, ठीक है। अब आप देखिए यहां राम है या श्याम है, राम श्याम, राम का बाई ओर से स्थान कौन सा है 32वां, श्याम का दाई ओर से स्थान कौन सा है 16वां, दोनों के स्थान हमने दे दिए, वो दाई ओर से 16 है ये बाई ओर से 32 है। अब कहा गया दोनों ने स्थान अदल बदल कर लिए, ये यहां आ गया और ये यहां आ गया, स्थान अदल बदल कर लिए, ठीक है। अब बाई ओर से या राम, बाई ओर से राम का स्थान जो है अब कितना हो गया है 44वां हो गया है, यानी राम जो है अब 44 पर आ गया है, पहले राम कितने पर था 32 पर, अब 44 पर आ गया, तो 44 पर आ गया तो 32 में कितना जुड़ गया 12, 32 में 12 जुड़ते ही 44 आ गया, इसका मतलब यहाँ पर कितना प्लस हुआ है 12 प्लस हुआ है। अब पूछा श्याम यहाँ पर आया तो श्याम का क्या स्थान होगा, पहले यहाँ पर श्याम 16 पर था तो जब ये 12 प्लस हुआ तो ये भी 12 प्लस हो जाएगा, तो 16 के अंदर में 12 जोड़ देता हूँ तो इसका स्थान आ जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 28। तो अब श्याम का ये जो स्थान है दाई ओर से कितने नंबर पर हो जाएगा 28वें नंबर पर हो जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है जितनी वृद्धि राम में हुई उतने ही अंकों की वृद्धि किसमें कर देनी है श्याम में कर देनी है, बिल्कुल इजी तरीका है उत्तर निकालने का, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्रम को सेट कर सकते हैं, किसी भी लड़के या लड़की को व्यवस्थित क्रम के अंदर बिठा सकते हैं, आप बिल्कुल इजी तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहां पर
क्वेश्चन है प्रकाश गीता से लंबा है, गीता से लंबा है, अमर प्रभात से लंबा है, अमर प्रभात से लंबा है, लेकिन उतना नहीं जितना कि गीता है, लेकिन उतना नहीं जितना कि गीता है, जितना कि गीता है, प्रबोध प्रकाश से लंबा है, प्रबोध प्रकाश से लंबा है, लंबा है।